Good morning, students. How are you two all? I hope all of you feel good. Welcome to my video, students. Today I am going to teach you chapter number 5 of our social science book, and the name of the chapter number 5 is The Southern Plateaus and the Island. In this chapter, we will discuss about Deccan Plateau also. First of all, what is a plateau? What is a plateau? It is a picture of plateau, and plateau is a highland. Plateau is a highland which is almost flat at top. Plateau highland hai aur uska top kaisa hai? Flat. That is called plateau. A plateau is a highland which is almost flat at top is called a plateau. Now students, location of the southern plateau. तो southern plateau की location क्या है? Location in south direction, southern plateau are located, and that plateau is also called Deccan plateau. इस plateau को हम Deccan plateau के नाम से भी जानते हैं. Okay, today we will discuss about Deccan plateau. Now let's move. In this lesson, we will read about the Southern Plateaus and the two island group. इस chapter में हम Southern Plateau और two island groups के बारे में पढ़ेंगे. The Southern Plateau. First of all, we will discuss about Southern Plateau. The Southern Plateaus are located to the south of the Northern Plains. जो Southern Plateau है, कहाँ पर है? Northern Plains के ठीक नीचे south direction में. They are triangular in shape. इसका shape triangular है and are surrounded by hill ranges. और चारों तरफ से hill ranges से surrounded है, घिरा हुआ है. The surface of the plateau region is rocky and uneven. जो surface है plateau region का, it is rocky and uneven. Rocky means पथरीला and uneven means ऊपर नीचे ऊपर खाबड़. Most of the rivers in the southern plateau are not as long as those in the northern plains. जिस तरह northern plains में जो भी rivers होती है वो long time के लिए होती है, but in southern plateau it is not so long. ऐसा नहीं होता southern plateau में, जो rivers होती है वो बहुत long time पे नहीं होती. दे हाउ एवर फ्लो विद ग्रेट स्पीड. फिर भी वो जब वहां से निकलती है प्लेट्यूज से तो बहुत ग्रेट स्पीड में निकलती है. ऑन देयर वे दे फॉर्म वॉटरफॉल्स. और जब वो अपने रास्ते से निकलती है तो रास्ते में वॉटरफॉल्स मीन्स झरने बना देती हैं. अ प्लेट्यू हैज अ फ्लैट टॉप. प्लेट्यू होता है फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड. और उसका साइड कैसा होता है? स्टीप साइड. स्टीप साइड मतलब खड़ी ढलान. सीन्स इट लुक लाइक अ टेबल. बिल्कुल टेबल की तरह दिखाई देता है. अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कह सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड होता है नर्मदा रिवर से साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुला ऑफ इंडिया. पेनिनसुला ऑफ इंडिया मीन्स हमारे इंडिया के पेनिनसुला साइड. पेनिनसुला साइड मीन्स हमारे ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी, एंड इन साउथ इंडियन ओशन आर देयर. तीनों तरफ से हमारा इंडिया घिरा हुआ है, उसी साइड को हम पेनिनसुला साइड बोलते हैं. अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज. जो साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू की अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन. इस रीजन की सबसे ऊंची चोटी है. द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. जो डेक्कन प्लेट्यू होता है, इट इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो घिरा हुआ है किससे? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों से. These घाट्स meet at the Nilgiri Hills. जो ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट both meet at Nilgiri Hills. दोनों नीलगिरी हिल्स पर आकर
मिल जाते हैं। मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्ट वर्ड्स। मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कई सारी रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट होती है कहाँ से? वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ से बहती है? ईस्टर्न ईस्टवर्ड से बहती है। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इन टू स्मॉल हिल रेंजेस बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इन टू स्मॉल हिल रेंजेस बाय रिवर्स, दैट मीन्स जो ईस्टर्न घाट है वो छोटे छोटे हिल रेंजेस में डिवाइड हो गया है एंड फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट से बह रहा है। मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स फॉल्स इन टू द बे ऑफ बंगाल, कई सारी रिवर्स बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की गोदावरी सबसे लंबी रिवर है। ओके, दीस घाट मीट एट द नीलगिरी हिल, विच घाट? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोथ मीट एट नीलगिरी हिल्स, जो दोनों है वो दोनों घाट नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्टवर्ड, कई सारी रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट हुई है वेस्टर्न घाट से और ईस्टवर्ड से बह रही है। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इन टू स्मॉल हिल रेंजेस बाय रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कई सारी छोटी छोटी हिल रेंजेस में डिवाइड हो गया और वेस्टर्न घाट से फ्लो हो रहा है। मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल, कई सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। एंड गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की गोदावरी बहुत ही लंबी रिवर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रीजन, लाइफ इन द रीजन, लाइफ इन द साउथर्न प्लेट्यू। द साउथर्न प्लेट्यू कवर्स द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। साउथर्न प्लेट्यू ने बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर रखा है, कौन कौन से विचार दे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। दीज आर द स्टेट किसने कवर कर रखा है इन स्टेट्स को? साउथर्न प्लेट्यू ने, इट कवर्स द साउथर्न प्लेट्यूज। ओके, दीज स्टेट्स हैव रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, ये स्टेट रिच है मिनरल्स से, सच एज कोल, इन स्टेट्स पे कोल बहुत है, आयरन ओर, कॉपर एंड मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स इन स्टेट्स पे बहुत रिच हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दस माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हियर, इसलिए माइनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इन स्टेट्स की। माइनिंग मीन्स जमीन के नीचे से जो मिनरल्स निकलते हैं उसी को माइनिंग कहा जाता है। फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, इसके अलावा खेती किसानी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है इन स्टेट्स का। द फार्मर्स ग्रो वीट, राइस, मिलेट, ग्राउंडनट, कोकोनट एंड शुगर केन। फार्मर्स ऑफ दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स के फार्मर, दे ग्रो वीट, राइस, मिलेट, ग्राउंडनट, कोकोनट एंड शुगर केन, इस तरह के क्रॉप्स यहाँ के फार्मर्स ग्रो करते हैं। नाउ लेट्स मूव हियर, मध्य प्रदेश, फर्स्ट स्टेट इज अवर मध्य प्रदेश, लेट अस टॉक अबाउट दैट। फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मध्य प्रदेश, दैट मीन्स खेती किसानी, खेती करना, मैट वीविंग चटाई बुनना आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मेन ऑक्यूपेशन है। पन्ना हैज डायमंड माइंस, मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ पे डायमंड माइंस है, डायमंड माइंस मीन्स हीरे की खदाने। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर इंडस्ट्रियल सिटीज, मध्य प्रदेश की इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर, दीज आर द इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर्स, ये नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर्स,
पचमढ़ी, सांची एंड खुजराहो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। मध्य प्रदेश में कई सारी जगह हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। विच आर दीज प्लेस? पचमढ़ी, सांची एंड खुजराहो, दीज आर द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर द कान्हा नेशनल पार्क एंड द सेकेंड वन पन्ना इज डायमंड माइंस। यहाँ पर पानी में धो धो के माइंस, डायमंड माइंस हैं, हीरे की खदाने हैं। जब हीरा नीचे जमीन में से मिल जाता है तो धो धो के निकालते हैं ऐसे। एंड द लास्ट पिक्चर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, लेट्स मूव, लेट अस टॉक अबाउट छत्तीसगढ़। इन एडिशन टू द मिनरल्स ऑलरेडी मेंशन, आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं। टिन इज ऑल्सो माइंड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में टिन मिलता है। द स्टेट इज रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये स्टेट फॉरेस्ट बहुत सारे जंगलों के लिए रिच है। पीपल कलेक्ट वुड, यहाँ लोग वुड कलेक्ट करते हैं, लकड़ियाँ। तेंदू लीव्स, तेंदू की लीव्स। हनी एंड लार्क फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में तेंदू मिलता है उन्हें, वुड मिलता है, हनी और लार्क मिलता है। भिलाई हैज अ स्टील प्लांट, भिलाई में एक स्टील प्लांट है, स्टील बनता है। सायला इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का एक फोक डांस है, दैट इज कॉल्ड सायला। ओके, इन एडिशन टू द मिनरल्स ऑलरेडी मेंशन, टिन इज ऑल्सो में माइंड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में टिन बहुत मिलता है। द स्टेट इज रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये स्टेट बहुत रिच है फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए। पीपल कलेक्ट वुड, तेंदू लीव्स, हनी एंड लार्क्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से कई सारे लोग वुड लाते हैं, तेंदू लीव लाते हैं, तेंदू लीव बीड़ी बनाते हैं जिसको रैप करते हैं तम्बाकू से, वो वाला पत्ता। हनी, शहद एंड लार्क फ्रॉम द फॉरेस्ट। भिलाई इज अ स्टील प्लांट, भिलाई में स्टील प्लांट है। सायला इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़, एक डांस है फोक डांस छत्तीसगढ़ का, विच इज नोन एज सायला। स्टूडेंट्स, हियर आई हैव वन पिक्चर, लिट्टी चोखा एंड ठेकुआ। हियर वाइल्ड लाइफ इन द साउथर्न प्लेट्यू, साउथर्न प्लेट्यू की वाइल्ड लाइफ, ब्लैक बक्स, हिल माइना, बारासिंगा, इंडियन रोलर, इंडियन जाइंट, स्क्विरल, ये सारे चीजें साउथर्न प्लेट्यू में, सारे एनिमल साउथर्न प्लेट्यू में पाए जाते हैं। नाउ तेंदू लीव, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तम्बाकू, जब बीड़ी बनाते हैं तम्बाकू को रैप करने के लिए जो चीज़ यूज करते हैं वो तेंदू लीव होती है। एंड लाक, लाक से हमारी ज्वेलरी बनती है, बैंगल्स बनती हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ टू यू इन दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा।